डीबीपी आई थी क्या बीएससी बीआर की दिखा देगा कोई मुझे आईपैड पे ओपन करके दिखा देगा तो अपोजिट ऐसा अगर केस आ गया कि एक तरफ से सेम आ रहा और एक बार अपोजिट आ रहा तब तो ये पाई है। और अगर मतलब यही पर सेम और अपोजिट एक साथ आने लगे किसी भी तरह से या दोनों बार सेम आ गया या दोनों बार अपोजिट आ गया ठीक है तो फिर ये पाई नहीं है ठीक है। वन प्लस वन में सिग्मा, टू प्लस टू में, फोर प्लस फोर में एंड सिस्टम। अच्छा एस ऑर्बिटल के पास में लोब कितने होते हैं? एक।
तो s ऑर्बिटल बॉन्ड कौन सा फॉर्म कर सकता है? सिर्फ सिग्मा। अगर करेगा तो सिग्मा, इसके अलावा नहीं करेगा। अगर s ऑर्बिटल किसी ऐसे पर्टिकुलर ओरिएंटेशन से आया कि वो एक साथ दो लोब से मैच करने लगा, तो फिर यहां पे सिस्टम क्या मैं जनरेट कराऊंगा? नॉन बॉन्डिंग, तो वो सिग्मा बॉन्ड नहीं करेगा। पक्का? यहां एक लोब था, यहां एक लोब था, s ऑर्बिटल इस डायरेक्शन से आया तो फिर दिस वन सिस्टम इज नॉन बॉन्डिंग। यहां से आया तो सिग्मा, यहां से आया तो सिग्मा, यहां से आया तो नॉन बॉन्डिंग। पक्का? तो s हमेशा सिर्फ क्या जनरेट कर सकता है? p क्या जनरेट कर सकता है? p के पास कितने लोब है? दो। तो कितने पार्टिसिपेट करा सकता है? एक या दो। कितने पार्टिसिपेट करा सकता है? एक या दो। एक कराएगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करा सकता है? गारंटी फिर भी नहीं है, गारंटी फिर भी नहीं है। और अगर दोनों जो दोनों लोग उसने जनरेट कराए, यूज कराए, तो फिर क्या जनरेट कराएगा? डी और बैटल क्या करा सकता है? सिग्मा पाई और डेल्टा, सिग्मा पाई और डेल्टा। कंफर्म। एफ क्या करा सकता है? सिग्मा पाई डेल्टा गामा। कंफर्म। अब पी और बैटल पाई किसके किसके साथ बना सकता है? एस छोड़ करके सकते ना, पी के साथ भी बना सकता है पाई, डी के साथ भी बना सकता है पाई, एफ के साथ भी बना सकता है पाई, एंड सो ऑन। तो पी किसके साथ पाई बना सकता है? एस छोड़ करके सबके साथ। कंफर्म। नोट डाउन करो। देखिए, इस आंसर को समझाने का रीजन मैं बता दूं आपको, ठीक है? कच्ची मिट्टी के साथ कभी दिक्कत नहीं होती मुझे। कच्ची मिट्टी को आप कोई भी शेप दे सकते हो, कैसा भी समझा सकते हो। एक बार गलती याद है, ठीक है, पीछे से आंसर मत देखो, प्लीज मत देखो, ठीक है? कभी किसी से सुनकर के आंसर मत लिखो, अनलेस एंटी की वो वेरीफाइड हो, ठीक है? भरोसा मानो कि मतलब गलतियां ज्यादा मिलेंगी यार। जैसे इसका आंसर, इसका आंसर सिर्फ यहां नहीं, मोस्ट ऑफ द जगह क्या लिखा होगा? पी। जनरली पी क्यों यूज किया जाता है पाई के साथ में? एस के साथ क्या लिख देता है अपनी? सिग्मा। पी के साथ क्या लिख देगा? पाई। वहां से पाई स्टार्ट होगा, लेकिन आदमी ये भूल जाता है कि यहां से सिग्मा भी बनेगा। डी के साथ क्या लिख देगा? डेल्टा। ये गलत है। डी क्या भी बना सकता है? सिग्मा भी बना सकता है और पाई भी बना सकता है। आदमी ये ध्यान देता नहीं, ठीक है? डी से स्टार्ट हुआ डेल्टा, तो डी को एसोसिएट कर दिया डेल्टा के साथ, ये सही नहीं है भाई। पक्का? आगे मुक करें यहां से। फाइंडिंग सेंटर ऑफ सिमेट्री फॉर लैमिनार फ्लो। फाइंडिंग सेंटर ऑफ सिमेट्री फॉर लैमिनार फ्लो। Finding center of symmetry for lamina figures. Lamina is planar figures. देखिए, center of symmetry associate कर रहा है कि कहीं center होगा, center के हिसाब से बात कर, ठीक है? हर system में center of symmetry हो ये जरूरी नहीं है। Center of symmetry system के अंदर ही हो ये भी बिल्कुल जरूरी। जैसे मान लीजिए मैं एक हॉलो स्फीयर हूं, हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, सेंटर पे होगा, लेकिन वो बॉडी के अंदर नहीं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पहली बात तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसा भी सिस्टम, ठीक है? और ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो बॉडी के अंदर हो, और हर सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ये बिल्कुल जरूरी है।
लेट सपोज मुझे लगा कि इस बॉडी के लिए ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अच्छा अच्छा तरीका तो ये है कि अगर ये सिमिलर डेंसिटी का सिस्टम मान लेता मैं, तो जहां पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूर आएगी, ठीक है। जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी आए वही चांस है या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, और अगर नहीं होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो पूरे बॉडी का कहीं पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, पक्का। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए जरूरी क्या है कि आप इसमें जितने भी कट मारने इस पॉइंट से जाते हो उतने कट मार देंगे, ठीक है। जैसे आपने ये कट मारा हुआ तो ये डिस्टेंस वन है तो ये भी डिस्टेंस वन आना चाहिए, ये डिस्टेंस टू है तो ये, और ये सारी लाइंस के लिए एप्लीकेबल, ये सारी लाइंस के लिए एप्लीकेबल अगर हुआ, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, वरना ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। कंफर्म, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आई तो सारी, ऐसा सारा पक्का। मान लीजिए दो चार लाइंस आपको ऐसी मिली जहां पे डिस्टेंसेस सेम आ रही हैं और दो चार ऐसी मिली जहां डिस्टेंसेस सेम नहीं आ रही, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, ठीक है। जैसे मैं एक सर्किल, सर्किल एक परफेक्ट एग्जांपल, आप कितनी भी लाइंस काट लीजिए आपको मालूम है कि दोनों तरफ से डिस्टेंस कैसी आनी है, सेम आ, तो ये पॉइंट जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। कन्फर्म, स्क्वायर में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, जल्दी चेक करिए, स्क्वायर में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, पक्का। रेक्टेंगल में देखिए रेक्टेंगल में मिला है कि नहीं मिला, बेटा जल्दी लगाओ फिर, ठीक है, नहीं खड़े रहो और जल्दी से कंफर्म करो, क्योंकि ये फिगर्स मुझे समझानी नहीं है, मुझे समझानी वो फिगर्स हैं, हालत खराब जाएगी मेरी, मेरे पास टाइम है, वैसे भी आधा घंटा मैं खराब कर चुका हूँ क्लास का, और मैं दूसरी क्लास लूंगा नहीं इसके ऊपर में। चेक करके देखो काइट में है कि नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री,
भाई नहीं है इसमें, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मैं ज़्यादा टाइम दे भी नहीं सकता हूँ। यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं ठीक है। लैमिनर फिगर्स आगे बढ़ते हैं पे, एक टेट्राहेड्रल फिगर बनाते हैं। रेक्टेंगल फिगर में आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गई या नहीं? पहले यहां कहीं पे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, आपने ये लाइन कट कर सेंटर से यहां, लेकिन जब आप अपोजिट लाइन खींचोगे तब तो आपको डिस्टेंस नहीं मिलने वाली है। बट एक्चुअली में क्या है कि जब हॉलो सिस्टम्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा इनफाइनाइट लाइन खींचू, तो मैंने परपेंडिकुलर लाइन नहीं खींची लैमिनर फिगर्स में। परपेंडिकुलर लाइन क्यों नहीं खींची? क्योंकि कोई सिस्टम था नहीं, ठीक है। तो डिस्टेंसेस आपकी बराबर होनी चाहिए जहाँ पे भी सिस्टम हो, अगर सिस्टम ना हो तो आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं, लेकिन डिस्टेंसेस यहाँ से सब जगह की बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब AB4 में अगर मैंने केस लिया CH4 का CCl4 का CBr4 का, ठीक है, तो होगा क्या कि कार्बन और ब्रोमीन की जो डिस्टेंस होगी या कार्बन क्लोरीन की डिस्टेंस होगी वो तो कांस्टेंट हो जाएगी, हर जगह से कैसी हो जाएगी बराबर, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर मैंने यहां पे केस ले लिया CH3Cl का, क्लोरीन का साइज बड़ा होगा हाइड्रोजन से, क्लोरीन की तरफ की डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, सिस्टम आपका सिमेट्रिक नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। तो AB4 में सेंटर ऑफ सिमेट्री है विद कंडीशन कि सारे के सारे भी कैसे हों, सेम। अगर सेम नहीं हुए तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। अच्छा, कई बार ऐसा भी हमें लगता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री तब एग्जिस्ट कर रहा होगा जब एक साथ सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री का लाइन ऑफ सिमेट्री से या प्लेन ऑफ सिमेट्री से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हो सकता है किसी सिस्टम में सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, लाइन हो, लाइन ना हो, प्लेन हो, ठीक है। एडी डालते हैं लाइन सिमेट्री, ठीक है। बेटर तो ये रहता कि मैं इसको ऐसी जगह से लेके जाता जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, जनरली वहीं से पास होती है जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। लेकिन फिर भी मैंने कार्बिट लाइन ऑफ सिमेट्री मान ली, लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब मान ली मैं यही लाइन ऑफ सिमेट्री मान रहा हूँ, ये प्लेन फिगर था आपका। अब इस एक्सिस को लेकर के रोटेट एज्यूम कर लो कि ये आपका एक स्क्वायर प्लेन का एक कागज था, ठीक है, और
ये मैंने नीडल उसके अंदर से डाल दी थी, पास ऑन करा दी थी, और इस नीडल को मैं घुमा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर सम मूवमेंट ऑफ थीटा विच इज नॉट 360 डिग्री, ठीक है, थीटा शुड बी लेस देन दैट ऑफ 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री पे तो मैच करेगा क्या, ठीक है। तो उससे पहले ही फिगर एग्जैक्टली मैच कर गया का ये भी मतलब है कि इसी पोजीशंस पे, ठीक है, यही कोऑर्डिनेट दिया। जैसे मान लीजिए इसको मैं 180 डिग्री घुमा दूँ, अगर 180 डिग्री घुमा दूंगा तो मुझे फिगर जो दिखाई देगी वो कुछ ऐसी होगी। 180 डिग्री घुमाने के बाद जो फिगर दिखाई दे रही होगी वो कुछ ऐसी, आप कह सर सेम ही तो है। फिर कोई कहता कि सर जो आपने 1 डिग्री घुमाया था तभी फिगर तो सेम ही थी, ओरिएंटेशन ही तो चेंज हुआ था, ठीक है, ओरिएंटेशन भी मैच करना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स भी मैच करने चाहिए, पूरा सिस्टम ओवरलैप करना चाहिए, ठीक है। तो क्या इस लाइन से घुमाने पर लेस देन 360 पर क्या ये फिगर कभी भी मैच कर रही है? पक्का? तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री मेरी नहीं, जनरली पास होनी चाहिए। क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? ये लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? कितने थीटा से, और थीटा मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट इज द थीटा मिनिमम कि जब ये सिस्टम ओवरलैप कर जाएगा परफेक्टली, बने सो दिस वन इज सी टू, हर लाइन को कुछ सी एन करके लिखा जाता है, हर लाइन ऑफ सिमेट्री को क्या लिखा जाता है? सी एन करके, वेयर एन इज 360 बाय थीटा मिनिमम, वो थीटा मिनिमम। अच्छा, मैथमेटिकली C1 पॉसिबल है, ठीक है, और C1 पॉसिबल है, और C1 तो सब में होना ही होना है, हर लाइन C1 तो मिनिमम होनी होनी है, ठीक है। तो हम C1 को सही से देखा जाए तो लाइन ऑफ सिमेट्री में काउंट नहीं करते, लेकिन हाँ चूंकि वो मैथमेटिकल डेफिनेशन में अगर आप जाओगे, ठीक है, या सिस्टम में फीड करने में जाओगे तो आपको C1 भी लिखना पड़ेगा 360 बाय 360। तो C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री या C1 लाइन ऑफ सिमेट्री की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो पहली लाइन लिखी थी दैट वाज नॉट कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री की फोल्डेडनेस n इज कॉल्ड फोल्डेडनेस, अगर फोल्डेडनेस 1 आती है, 1 से ज्यादा नहीं आती, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाती। लाइन ऑफ सिमेट्री तभी कहलाएगी जब फोल्डेडनेस कैसी आए, 1 से ज्यादा। पक्का? सो दिस वन इज C2। हाउ मेनी C2 आर देयर इन स्क्वायर? 4 दिखाई दे रही है। पक्का? पक्का? और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है 4 के अलावा? इन 4 के अलावा और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है? बहुत जल्दी भाग रहे हो। परपेंडिकुलर, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? है। एंड दिस वन इज कुछ नाम बोला था किसी ने, सही बोला था, इसने भी बोला था C4, बिल्कुल सही। परपेंडिकुलर वन इज C4, वो 90 डिग्री पे आ जाएगी। मिनिमम जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 की वैल्यू,
ठीक है, कंडीशन मैथमेटिकली वहां पे लिख दो। ठीक है, यहां पर एक केस ले रहे हैं रेक्टेंगल का विच इज नॉट अ स्क्वायर। मुझे जल्दी से बताइए इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी और कैसी होंगी। स्क्वायर में पांच आपके लाइन ऑफ सिमेट्री थी, चार सी टू थी और एक सी फोर, इसमें बताइए कितनी होगी। देखो सर, तीन सीट, मैं 80 डिग्री घुमाऊं उसको, कागज फाड़ लूं, सिस्टम बनाओ और 80 डिग्री घुमाते हैं। पर्टिकुलर भैया लोग जितने भी ऑनलाइन में हैं उनके लिए काफी दिक्कत वाला काम है, और दो दिक्कत वाला सबके लिए ही है। ठीक है, तुम भरोसा मान लो सही से सॉल्व नहीं कर सकते हो अभी ज्योमेट्री से, पतंग बन जाएगा। ठीक है, अनलेस अंटिल कि आप इस ज्योमेट्री के साथ खेले। ठीक है, बॉक्स सामने हैं, ज्योमेट्रीज यूज करना चाहते हो ज्योमेट्रीज यूज कर लो, मुझे यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्रीज बताओ। और अगर तुम्हें लग रहा है कि बिना फिगर लिए तुम बता सकते हो, ठीक है, तो वही लोग बता सकते हैं बिना फिगर लिए जिन्होंने आज तक कॉपी पेन का यूज कभी किया ही ना, और तुम उस कैटेगरी में नहीं। फिगर ले लो जल्दी से, खुद से बना लो, चेक कर लो लाइन ऑफ सिमेट्रीज। टेट्राहेड्रल कैसे बनानी है, टेट्राहेड्रल बना लीजिए आप। सॉल्व करो यार जल्दी से, उठाओ बॉक्स, उठाओ बॉक्स में से टेट्राहेड्रल फिगर्स बनाओ, ढूंढना स्टार्ट करो, सॉल्व करो। आंसर लिख के याद करने से कभी नहीं आने वाला। सिर्फ ब्लैक वंस में ऐसा होगा कि आपको टेट्राहेड्रल फिगर मिल सकती होगी, वो भी चेक कर लीजिएगा कि ब्लैक वंस में चार होल है कि नहीं। ब्लैक वंस कुछ तीन होल्स के भी हैं और दो के भी। टेट्राहेड्रल फिगर बना लीजिए, नहीं बना पा रहे होंगे आप, नहीं निकाल पाएंगे लाइन ऑफ सिमेट्री।
अगर आपको लग रहा है आप और भी सॉल्व कर सकते हो तो मैं आपको एक सिंपल से स्टेटमेंट दूं, मुझे तो आंसर याद है और मेरे हिसाब से श्रीनिवास सर के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं जो इस सवाल को सॉल्व करे, अनलेस अंटिल आपके पास फिगर हो, आप नहीं कर पाओगे। एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, चार कैसी, चार सीधी, यही आंसर है। अभी और आ रहा है, जब और आ जाए बेटा तो बताना है, जिससे पूछा तो उससे जवाब देने तो नहीं आए। पांच क्या? अरे कैसी? C1, C2, C3, C4, C5, पांच क्या? भाई मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं सर, हां C6 आ रहे हैं और 4C3 आ रहे हैं, 4C6 आ रहे हैं और 4C3 आ रहे हैं, 4C6 आ रहे हैं, 4C3 आ रहे हैं, गलत आ रहा है।
किसकी नहीं ज्यादातर लोगों को दिख भी गई होगी अब तक। दिस वन इज सी थ्री और ऐसी कितनी होगी चार। तो देर आर फोर सी थ्री जो आपको दिख गई होंगी अभी तक, तो कम से कम इतना तो लिखी है। देर आर फोर सी थ्री जो आपके कॉर्नर से सेंटर से दूसरे फेस सेंटर के मिडिल पॉइंट से जा रही है परपेंडिकुलर, एक कॉर्नर से सामने वाले फेस पर परपेंडिकुलर है और ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी कहलाएगी सी थ्री, ये दिखाई दे रही होगी आपको अभी तक। इसके लिए फिगर नहीं था, ठीक एक और फिगर दिया था मैंने, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर मिला पक्का, कितने डिग्री रोटेट करके ये आंसर मैच कर जाए बने। सो दिस पॉइंट इज एच सेंटर पासिंग थ्रू अनदर एच सेंटर, कितने एजेस हैं पूरे सिस्टम में छह, कितनी लाइंस होंगी सच तीन में से कोई भी दो नहीं, ये एच सेंटर से एच सेंटर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, केस पर्टिकुलर है ना कि आमने सामने की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो छह में से दो लेकर के एक लाइन बनेगी, ये एक लाइन बनेगी, ये एक लाइन बनेगी, ऐसे कितनी लाइन्स बनेगी तीन, और ये तीनों कैसी होंगी सी, ये तीनों कैसी होंगी सी चार सी थ्री वॉज द इजियर वन, द हार्डर वन वॉज थ्री सी टू, पक्का दिखाई दे रही है थ्री सी टू दिख रही है सबको कंफर्म, ठीक है। ये इस फिगर में बताना बड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी इस लाइन में और इस लाइन का जो सेंटर्स है सेंटर से दोनों लाइंस को मिला तो 180 डिग्री घुमा करके सिस्टम क्या कर जाएगा मैच विद कंडीशन चारों पीछे से हो से पक्का लिख लीजिए। तो टेट्राहेड्रल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है सेवन, चार आपकी सी थ्री है और तीन आपकी सी टू, लिख लीजिए। देखिए टेट्राहेड्रल हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्री है और सॉल्व कर लेना बेटर भी हमारे लिए। सो इफ आई से टेट्राहेड्रल, जस्ट इफ आई से टेट्राहेड्रल दैट मींस सम CH4 टाइप, सारे भी सेम होनी चाहिए सारे जगह से, CH4 टाइप है तो सात आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री आई है, ठीक है। कैसी कैसी चार C3 आई है, तीन आपकी C2। इफ आई से CH3Cl तो एक तरफ से डिस्टेंसेस बढ़ जाएंगी आपकी पक्का, जैसे कि मान लीजिए
अब देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बची क्योंकि आप 180 डिग्री घुमाओगे तो लोकेशन डिफरेंट हो जाएगी। पक्का ना? मुझे बताओगे कि इस सिस्टम में CH3Cl में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है और कैसी है? CH3Cl में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है और कैसी है? CH3Cl में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? एक या तीन? क्या कहते हैं? एक और कैसी? एक C3 को सही है। CH3Cl में एक C3 है। कौन सी? ये लाइन जो Cl से कार्बन से पास हो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बची और कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बची। पक्का कर लीजिए। लेकिन ये लाइन ऑफ सिमेट्री है पक्का क्योंकि यहां पर तीनों बाकी जगह से क्या मिल रहे हैं आपको? हाइड्रोजन CH2Cl2। CH2Cl2 1C2। ये जो लाइन पास हो रही है, ये जो लाइन पास हो रही होगी वो अभी भी लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये लाइन कैसी है आपकी? C2। एक C2 आपके पास है। सही आंसर है आपका, मैं मानना पड़ रहा है। इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। किसका दोष है? इतना सर दर्द ले रहा उसकी। हाँ ठीक है, अलग केस पे चलते हैं। डायरेक्टली मूव कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम है भी नहीं हमारे पास। ऑक्टाहेड्रल पे आ रहा हूं मैं डायरेक्टली। ऑक्टाहेड्रल में पॉइंट ऑफ सिमेट्री तो होगा ही होगा, ठीक है, यही आपका पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आर देयर? How many line of symmetries are there?
किसी को नहीं चाहिए। भाई बॉक्स यहाँ रखा हुआ है, मेहनत करो बना लो, टेट्राहेड्रल भी कर तोड़ो, टेट्राहेड्रल फिगर लेके गए थे तोड़ो जल्दी से बनाओ, ऑक्टाहेड्रल बनाओ। टेट्राहेड्रल में चार सी थ्री, जो पहली चार सी थ्री आई थी वो दिक्कत नहीं थी, दिक्कत क्या थी, तीन सी टू, तीन सी टू पहली फिगर से नहीं दिखना था, ठीक है, इसमें आप सेकेंड फिगर जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप क्लोज फिगर जनरेट नहीं कर पाओ, मेरे पास कोई तरीका नहीं, तो आपको खुद ही विजुलाइज करना पड़ेगा। क्लोज फिगर बेटर होती है रिगार्डिंग लाइन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री, कई बार और ये एक वो पर्टिकुलर सवाल है जो मैं क्लास 11th में सॉल्व नहीं कर पाया था, आदमी को वो सवाल सारे याद रहते हैं जो गलत होते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल मैंने पहली बार में सॉल्व किया था, ऑक्टाहेड्रल का आंसर मेरा पहली बार में गलत निकला, गलत निकला था या सही निकल करके भी मैं बोल नहीं पाया था, दो अलग केसेस है, कुछ ऐसा भी था उसमें, Gracias.
C2 गलत है। को मुझे फिगर देगा। पहले तो चेक करते हैं आपकी C4। दिस पॉइंट टू पॉइंट ये जो लाइन है, ठीक है, ये सबसे आसान केस भी था। ये जो लाइन है इसको 90 डिग्री आप घुमाएंगे तो सिस्टम मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम मैच कर जाएगा। सो दिस वन, दिस लाइन इज लाइन ऑफ सिमेट्री, 90 डिग्री पे मैच कर रहा है। तो दिस वन इज C4। और ऐसी कितनी आएंगी, 1, 2, 3। तो देर आर 3 C4s ऑक्टा में। ऑक्टा में मैं कह सकता हूं देर आर 3 C4s, ठीक है। इसको सॉल्व करने के एक और ट्रिक भी है, ठीक है, वी विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स। जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो वो भी समझाया जाएगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास चूंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। इस एज को ध्यान से देखने की कोशिश करो, इस एज को ध्यान से देखने की कोशिश करो जहां पे है थ्रेड, ठीक है। इस एज के मिड पॉइंट से, इस एज के मिड पॉइंट से ठीक नीचे एक और एज पड़ेगी, सेंटर से पास हो रही होगी वो लाइन, ठीक है। और ये जो लाइन बनेगी आपकी, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। और कितने डिग्री रोटेट करने के बाद मैच करेगी, 90 डिग्री। सो दिस वन विल बी सी। हाउ मेनी C2 विल बी देयर, ऐसे कितने बने, ठीक है। देखिए जब भी आप काम करेंगे तो इसके साथ में यही फिगर होगी, इसके साथ में कोई ये केस नहीं है, यूज कर सकता। ये और ये ही एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हाउ मेनी एजेस आते हैं ऑक्टाहेड्रल में, एजेस कितनी है, पहले सॉल्व कर चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल में टोटल एजेस कितनी होती है, 12, ठीक है। और एक लाइन में दो एजेस चली जाएंगी, तो हाउ मेनी C2 विल बी देयर, 6, ठीक है। हाउ मेनी C2 विल बी देयर, 6। पहले चेक कर लीजिए जल्दी से, हाउ मेनी C2 विल बी देयर। द प्रॉब्लम इज कि धागा C2 से ही मंगाया था, ठीक है, और तीसरा केस नहीं दिखेगा। सेटल किए था, पहले यहां पर तो लिख लीजिए 6C2 तक का,
ठीक है, द होल आइडिया इज कि आप ये ट्राइंगुलर फेस देख पाए, द होल आइडिया इज ये आप ट्राइंगुलर फेस देख। हाउ मेनी फेसेस आर देयर? ऑक्टाहेड्रल, आठ नामित ऑक्टाहेड्रल, एट सिंगल फेसेस। हाउ मेनी फेसेस आर देयर? ये ट्राइंगुलर फेस और ये ट्राइंगुलर फेस, ठीक है, ये इस तरह से दिख रहे हैं। मैं इस ट्राइंगुलर फेस की बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली ऐसे, ठीक है। ठीक है, अच्छा, भैया रुक गए, वीडियो चल रहा है। नाउ लुक एट दिस फेस, इस फेस का जो सेंटर पे परपेंडिकुलर अगर मैं लाइन डालूं तो दूसरे वाले के सेंटर पे परपेंडिकुलर जाएगी, कंफर्म परपेंडिकुलर जाएगी। अच्छा, कई लोग यहाँ पे मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, बिकॉज दिस एंगल, द एंगल दिस वन, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, दिस एंगल हियर विल बी 60 डिग्री। तो उन्हें ये लग सकता है कि इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे तो फिगर मैच हो जाए। मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट करूं तो फिगर मैच हो जाएगी, गलत है। क्यों गलत है? जब आप 60 डिग्री रोटेट करोगे तो देखिए, ब्लैक वाला जो ट्राइंगल है वो कहां पर है? पीछे की तरफ है। कोऑर्डिनेट्स मैच नहीं करेंगे, मैच ये ट्राइंगल्स कितने डिग्री रोटेशन के बाद करेंगे? 120। कितने डिग्री रोटेशंस के बाद करेंगे? 120। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? और ऐसी कितनी लाइंस बनेंगी? चार। आठ फेसेस हैं, कितनी लाइन बनेंगी? चार। तो एक केस बनेगा फोर सी थ्री। सबसे पहला केस क्या आया था? थ्री सी फोर का। और क्या केस आया था? सिक्स सी टू का और फोर सी थ्री। ठीक है, याद रखने का यहां पर एक तरीका जरूर है थोड़ा सा। नॉर्मल बंदा याद कैसे रख लेगा इस वैल्यूज को? द कॉमन आंसर इज 12। पता ऐसा हर जगह होता हो ये जरूरी नहीं, पर्टिकुलरली ऑक्टाहेड्रल के साथ में है। और एक और रीजन है ऑक्टाहेड्रल के साथ में, ऑक्टाहेड्रल शेयर इट्स आंसर्स विद अनदर ज्योमेट्री। Which one is? Octahedral अपने answers को किसी और geometry के साथ share करता है, और वो geometry है cube, जिसको दिख गया उसके लिए octahedral आसान होती है। Octahedral में और cube में similarities भी हैं और changes भी। Cube में corner कितने हैं? फेसेस छह, एजेस पांच। ऑक्टाहेड्रल में कॉर्नर छह, कॉर्नर छह, फेसेस आठ। कॉर्नर और फेसेस इंटरचेंज है, कॉर्नर और फेसेस और एजेस बार सेम। कंफर्म, क्यूब बनाइए, क्यूब में लाइन ऑफ सिमेट्री सॉल्व कीजिए, आंसर आपको देख करके अच्छा लगेगा। अगर आप क्यूब सॉल्व कर लेते हो पूरा तो आंसर मैच करेगा, तीनों आंसर मैच करेगा, 3C4B, 6C2B और 4C3B। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ लाइन के आंसर मैच नहीं करेंगे, प्लेन्स के भी आंसर आपके मैच करेंगे।
नेक्स्ट टर्न इसे कंटिन्यू करते हैं। मैं चाहता तो नहीं था कि मैं नेक्स्ट टर्न पे भी मुझे बताना पड़ेगा ये ठीक है।